मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे आज आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के आया। इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने SC ST और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए फीस में कुछ एग्जम्पशंस लाए हैं। चलिए हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि इसकी असलियत का है, कहाँ तक फीस मुफ्त है, किस कोर्स के लिए फीस मुक्त है और इसके फ़ायदे क्या हैं, कहाँ कहाँ चेंजेस हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं, इसकी हम जांच पड़ताल आज करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है इसकी सच्चाई। आपको यहाँ तक पहुँचना कैसे, होम बुलेटिन बोर्ड अनाउंसमेंट लेटेस्ट या फिर नोटिफिकेशन, या फिर मैं आपको ये URL ही अपने वीडियो में दे देता हूँ, आप डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन तक पहुँच के डाउनलोड करके सारी जानकारी देख सकते हैं। यह रहा 13 नवंबर को इंटरनल जो नोटिफिकेशन नंबर 21 जारी किया गया यूनिवर्सिटी के अंदर, जो सभी रीजनल डायरेक्टर के पास अभी तक पहुंच चुका है, डायरेक्टर्स के पास पहुंच चुका है, डिवीजन्स के पास, स्कूल स्टडीज़, एडमिन, फाइनेंस ऑफिसर, डायरेक्टर, हेड कंप्यूटर डिवीजन, DD, सबके पास पहुँच गया। चलिए हम इसकी जाँच पड़ताल करके इसकी असलियत तक पहुँचते हैं। इन्होंने लिखा है कि पहले इसकी सच्चाई, ओनली फॉर द स्टूडेंट सीकिंग फ्रेश एडमिशन इन January 20, केवल फ्रेश एडमिशन के लिए। यदि आपने पिछले वर्ष किसी FI में एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में, इस बार सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में ले रहे हैं, तो यह फीस आपके लिए अप्लीकेबल नहीं होगी यह नोटिफिकेशन, अर्थात फ्रेश एडमिशन के लिए। दूसरा, ओनली इन अकेडमिक प्रोग्राम, जो वार्षिक प्रोग्राम होते हैं उसमें, वोकेशनल कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स में नहीं होता। नॉट अवेलेबल फॉर मॉड्यूलर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ डिग्री, किसी डिग्री प्रोग्राम का पार्ट बनता है तो उसके लिए नहीं है। SC ST एप्लीकेंट हु आर एलिजिबल, केवल उन्हीं के लिए जो एलिजिबल होंगे, ऐसा नहीं कि सारे SC ST के लिए। नो, टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ एग्जम्पशन सेल सबमिट देयर एप्लीकेशन इन ऑनलाइन, और आपको जब तक ऑनलाइन मोड पे करोगे नहीं, आपको नहीं मिलेगा। ऐसा मत सोचता कि मैं SC ST हूँ तो मुझे मिल जाएगा, नहीं, ऑनलाइन जाके अप्लाइड करना पड़ेगा। विथ सॉफ्ट कॉपी जो डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध होते हैं उसको अपलोड करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, SRD विल वेरीफाई द क्लेम सर्टिफिकेट इन ऑनलाइन, वो चेक करेंगे, अगर सही पाया जाएगा तो ही आपको यह बेनिफिट मिलेगा। जांच नंबर 4, SC ST स्टूडेंट हु वेर एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन रिइंबर्समेंट ऑफ इन अर्लियर एडमिशन साइकिल्स आर ऑल्सो, जो पहले हो चुके हैं एलिजिबल उनके लिए भी है, एप्लीकेबिलिटी जारी रहेगी, लेकिन आपको रजिस्टर यहाँ करना पड़ेगा। बेनिफिशरीज हु आर इनरोलिंग द साइमल्टेनियसली इन सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम्स अलॉन्ग विद अंडर, मतलब आप कोई ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं और साथ में आप कोई और दूसरा प्रोग्राम कर रहे हैं जैसे सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम, तो आपको क्या दोनों में मिलेगा, नहीं, किसी एक प्रोग्राम में मिलेगा। दिस स्कीम शैल नॉट बी अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयड, ऐसे एप्लीकेंट SC ST, अगर आप कहीं जॉबरत हैं, कार्यरत हैं, किसी जॉब पे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। स्टूडेंट हु आर टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ एग्जम्पशन रिइंबर्समेंट ऑफ ही फ्रॉम एनी अदर कोर्स और एजेंसी, किसी और इंस्टीट्यूट, किसी और सोर्स से कर रहे हैं तो भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, अर्थात आपको इसकी सुविधा नहीं मिलेगी। तो मित्रों, यह रही इसकी जांच पड़ताल, आशा है आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। यह वीडियो अपने मित्रों तक आप पहुंचा दीजिए और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करने से ना हिचकें। मैं ब्रजेश पांडे आप सबकी हेल्प करता रहूँगा, जल्द ही नए अपडेट्स के साथ आऊँगा। आपका एग्ज़ाम चालू हो गया है, आपका एडमिशन भी चालू हो गया है, आप नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।